लगा हुआ है गाड़ी साफ करने में, और गाड़ी भी मस्त सीतापल की छाया में लगी हुई है अपने घर पे सीता। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं मार्केट में ही, एक दुकान है टॉय वाली, छोटे बच्चों के खिलौने वाली। तो यहाँ पर हम लोग एक तो दोस्तों आज हमारे बन रहा है स्पेशल हांडवा, और ये देखिए अभी एक वन पीस बन चुका है और दो गोलू खाने की तैयारी कर रहा है। और हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सबका स्वागत है एक और वीडियो में। तो लो जी, एक और ब्लॉग शुरू हो चुका है, और आज का ब्लॉग बहुत लेट शुरू हुआ है, शाम के 4:30 बज चुके हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं सरदार नगर घूमने के लिए, एक राउंड मारने के लिए जा रहे हैं। ऐसे ही घर बैठे बैठे बोर हो गए तो छोटा मोटा सामान खरीदना है, तो हम लोग सब साथ में जा रहे हैं। गाड़ी की चाबी ले ली है और निशांत को बोला कि गाड़ी साफ कर ले। तो यहाँ से सरदार नगर, आपको सरदार नगर का वॉक अराउंड कराऊंगा और मार्केट भी दिखाऊंगा, तो आपको सब्जी मार्केट अगर पूरा दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, और कभी बचना है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। चैनल पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे इंस्टाग्राम समावर सिटी हैंडल को फॉलो ज़रूर करें। तो देखिए अपना निशान लगा हुआ है गाड़ी साफ करने में, और गाड़ी भी मस्त सीतापल की छाया में लगी हुई है। अपने घर पर सीतापल का पेड़ इतना बड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा सीतापल का पेड़ है, देखिए आप देखेंगे तो बहुत बड़ा है। और बच्चे वगैरह भी यहाँ पर खेलना होता है, इधर गाड़ी भी पार्किंग हो जाती है, और इसके नीचे आराम से छाया में पूरे दिन बच्चे खेलते रहते हैं, दिक्कत नहीं आती। और अभी मैं पहले गाड़ी को बाहर निकाल लेता हूँ। गोलू को बाहर बुला दे। इंदिरा ब्रिज आ चुका है, ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग सरदार नगर पहुंच चुके हैं, और ये सरदार नगर मार्केट है, अंदर की साइड में पूरा मार्केट है, पीछे की साइड में, और इधर सामने ये सोडा शॉप है। ये सरदार का नगर है, सरदार का नगर है। इस एरिया में सिंधी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सिंधी सिंधी। तो बच्चों के लिए मैंने दो मैंगो भरवाई है और एक पेप्सी बोला है मैंने। और अपन ने भी पेप्सी वाला मसाला सोडा मंगाया है। अभी बच्चों तो अभी बच्चों को मैं अंदर मार्केट में लेके जाता हूँ, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कितनी शानदार शानदार दुकान। और आप देख पाएंगे तो कितनी शानदार लग रही है दुकानें, देखिए ये, देखिए गिफ्ट शॉप है ये, और कितना लुक फर्स्ट मस्त आ रहा है इसका। और अभी हम लोग पहुँचे हैं जो आर्टिकल की शॉप है, यहाँ पर डोरे गट्टी वगैरह सब मिल जाएंगे, लेच वगैरह सब मिल जाएंगे, सिलाई का जितना भी सामान चाहिए आपको रिजनेबल रेट में मिल जाता है यहाँ पर। तो अभी हम लोग चलते हैं मार्केट में, और ये यहाँ से सब्जी मार्केट चालू होता है,
तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से चालू होगा, दोनों साइड पूरा सब्जी मार्केट और फूल मार्केट ही है। शाम को बहुत तगड़ी क्राउड लगती है यहाँ पर। अरे 5 बज गए तो देखिए थोड़ी देर बाद इतना भीड़ हो जाएगी ना यहाँ पर। इस साइड में फ्रूट मार्केट है, तो अभी हम लोग पहुँचे हैं मार्केट में ही। एक दुकान है टॉय वाली, छोटे बच्चों के खिलौने वाली। तो यहाँ पर हम लोग, एक अंकल है जो अपना बहुत पहचान वाले हैं, बहुत टाइम से हम लोग इधर आते जाते रहते हैं और इनके यहाँ से ही शॉपिंग करते हैं। तो देखिए बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौने वगैरह भी हैं यहाँ पर, और गोलू बहुत एक्साइटेड हो रहा है, बोले ऊपर लो मेरे को। तो दोस्तों वहाँ पर बच्चों के खिलौने खरीदने के बाद में अभी हम लोग वापस यहाँ से निकले हैं, क्योंकि कल एक छोटा सा फंक्शन है, उसके लिए बच्चे के लिए मुझे एक फ्रॉक ख़रीदनी है। तो यहाँ से हम लोग कुछ ख़रीद लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं वापस, बारिश आने वाली है, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है और टाइम भी हो चुका अपना। चलो दोस्तों, आज हमारा बन रहा है स्पेशल हांडवा, और ये देखिए अभी एक वन पीस बन चुका है और दो गोलू खाने की तैयारी कर रहा है और दूसरा प्रिपरेशन भी चालू है। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये तवे के ऊपर हम लोगों ने डाल दिया है और ये देखिए इसकी मेकिंग चालू है प्रोसेस, और बहुत दिन बाद में हांडवा बन रहा है। और ये चाय के साथ में खाने में बड़ा मजा आता है, तो इसका बैटर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका बैटर बना हुआ रेडी है और इसके ऊपर तवे के ऊपर डालने के बाद में सिर्फ थोड़ा रोस्ट करके तेल डाल के इसको बना सकते हैं व्यवस्थित। तो बड़ा मजा आता है, चाय के साथ में कुरकुरा लगता है। तो गाइस आज हम लोग बना रहे हैं चावल वाली रोटी और सर में सेव टमाटर की सब्जी है। तो एक्चुअली 2 बन चुके हैं और निशांत और गोल्डम खा लिया, तो अभी इसका गोल भी रेडी है। उसके बाद हम लोग दूसरे पीसों की तैयारी करेंगे और अभी डिनर करने की तैयारी कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल में पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।